अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेफ अहमद। मैंने सोचा अपना एक YouTube चैनल होना चाहिए जिसके अंदर मैं जो आप मोबाइल पे इजीली देख सकें। YouTube चैनल बनाया तो मैं आप लोगों को अब आज रेसिपी सिखाऊंगा। सब्सक्राइब करें शेफ अहमद के चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आज एक और नई रेसिपी के साथ और बिल्कुल नए वेन्यू के अंदर। और आप देख सकते हैं बिल्कुल सेटअप बहुत ही ज़्यादा ऑलमोस्ट खुद ही बनाया हुआ है, चौड़ा जमा करके। और ये है स्पेशल, ये है हमारी भट्टी जो भी, और ये स्टेनलेस स्टील में ये भी खुद ही बनवाई हुई है। आज हम क्या बनाएंगे? आज हम बनाएंगे बेबी चिकन। बेबी चिकन स्किन चिकन है। स्किन चिकन को हमने ब्राइन प्रोसेस एक होता है, इसको आप ओवरनाइट पानी, चीनी, नमक और अगर आपको कोई से भी स्पाइस हो, जैसे आप लाल मिर्च डाल दें, लहसुन डाल दें, काली मिर्च डाल दें, हरी मिर्च डालकर इसको स्पाइस इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जो इसका मीट हो जाता है बिल्कुल टेंडर। ब्राइन प्रोसेस के साथ इसको आप सोक करके रख दें कम से कम 12 घंटे के लिए। ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको हम सिंपल पीछे से कट करेंगे। ये गर्दन का जो हिस्सा है इसके सहारे आप छुरी अंदर करें और बिल्कुल नीचे तक ले जाएं, इसके लेग के साथ नीचे तक ले जाएंगे तो ये कट जाएगी। वन साइड ये हो गया, सेकंड साइड रखकर नीचे तक इसको कट करें और ये आपके पास इसका पूरा गर्दन वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। इसको जरूरत नहीं आपको। अब ये चिकन को आप थोड़ा सा इस तरीके से हल्का सा कट करके इसको खोल लें। ये आपके पास चिकन आ गई एक बटरफ्लाई स्टाइल के अंदर, ठीक है। जब बटरफ्लाई स्टाइल के अंदर आ गई, आप इसको चाहो तो बीच से भी इसको कट कर सकते हो या इसको आप पूरी बेक कर दें। मैं इसको पूरी बेक करूँगा। हल्का सा पेपरिका और थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालकर हल्का सा इसको रब करें, थोड़ा सा इसको मसाज कर लें। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है। जब आप इसका मीट चेक करेंगे, इसकी स्किन की वजह से ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हुई होगी। सिंपल, ये हो गया डन। अच्छा जी, अभी हमारी सब्जी, सब्जी के अंदर हम सॉल्ट एंड पेपर, और ये सारी सब्जी ऑलमोस्ट बिग चंक्स के अंदर है। कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, कैप्सिकम है, अनियन है इसके अंदर, और इसके अंदर हम डालेंगे हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल डालकर इसको बस हल्का सा हमने करना है मिक्स, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना। और इसको हम ऐसे ही सेट कर देंगे। सेट करने के बाद हमारे पास ये ग्रिल है, ग्रिल रखेंगे हम इसके ऊपर, और ये जो हमारी चिकन है, जो हमने चिकन जो बनाई थी, इसको हम सेट कर देंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर सेट करने से क्या होगा, इसको हीट बहुत अच्छी लगेगी और जो जूस गिरेगा वो गिरेगा वेजिटेबल्स के अंदर, और वेजिटेबल्स के अंदर इसका जूस आ जाएगा, ठीक है। और इसको बेक करें, आप लोगों के घर के अंदर ओवन हो तो कम से कम 45 मिनट से एक घंटे तक इसको मीडियम हीट पे 160 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड के हीट के ऊपर रखें और इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए। कवर करने की कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मीट आपका बहुत सॉफ्ट बनेगा और स्किन बहुत क्रिस्पी, ठीक है। अब इसको हम डालेंगे ओवन भट्टी के अंदर। अपनी भट्टी हॉट होनी चाहिए, प्री हीट करके रखिएगा। और ये चिकन हमारी गई भट्टी में। चलिए अब हम चिकन चेक करते हैं। हमारी चिकन हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी होगी, गर्म है देख के। देखें ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका हुआ है और हमारी चिकन भी बिल्कुल रेडी है। अब इसकी हम प्लेटिंग कर देंगे। ये जो आपके वेजिटेबल्स हैं ये आप देख सकते हैं, ये वेजिटेबल्स कितने क्रिस्पी हो चुके हैं। और ये हमारी चिकन बहुत प्यार से इसको निकालना है, निकाल के हम अपनी ट्रे में सेट करेंगे। और साथ ही जो इधर वेजिटेबल्स रोस्ट किए हैं ये हम रख देंगे, ये होल गार्लिक, टोमेटो, सम कलर कैप्सिकम्स, ब्रोकली, जितनी भी रेसिपीज आप लोगों को सिखाई जाए वो हेल्दी उसके ऊपर हो, बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। ये आप लोग ये चिकन, बेबी चिकन रेडी है विद ग्रिल्ड वेजिटेबल्स के साथ और
कोशिश होती है मेरी इतनी हेल्दी चीज़ें बनाई जाएं, हेल्दी मतलब लेस ऑयल के अंदर फ्राई हो। आप चीज़ खा सकते हो, मैदा खा सकते हो, लेकिन लेस ऑयल के अंदर हो, ताकि फ्लेवर भी आए आपको उस चीज़ का, इंग्रेडिएंट्स का, जो मीट आप यूज़ करो उसका फ्लेवर आए, और आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ हम बिल्कुल आप लोगों के साथ होंगे। अपने कमेंट्स, लाइक्स यूट्यूब चैनल पे शेयर करें, शेफ अहमद पेज का नाम, और आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक अलग और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ। और मेरी बहुत कोशिश होगी कि बिल्कुल एक अलग आप लोगों के घर का किचन में तब्दील करना चाह रहा हूँ। मतलब रोज़ का जो खाना चल रहा होता है ना, वो तेल और रोगन से मैं आप लोगों को हटाकर इन चीज़ों पे लेकर आने से ताकि आपकी सेहत बहुत अच्छी रहे, ठीक है। और ऑलमोस्ट लाइट भी बिल्कुल डिम हो चुकी हुई है, मगरिब का वक्त हो गया, सनसेट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें मिलते हैं, आपका शेफ अहमद मिलते हैं नेक्स्ट उसके अंदर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।